उसको हक नहीं कर सकते थे, आप उसको ज्यादा जोर से प्यार नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके ऊपर गोलियों के निशान थे। आई हैव कट ऑल दोस नेगेटिव पीपल फ्रॉम माई लाइफ एंड आई कंटिन्यू विद अ पॉजिटिव पीपल जिन्होंने मेरी इतनी केयर की, मेरा इतना ख्याल रखा। मेरी दोस्त है डॉक्टर अर्मीला, सेनेटर हुमायूं की वाइफ है, वो सबसे पहले मेरे पास आई। और कौन सा दिन नहीं था कि वो मेरे पास नहीं थी। मारिया बी को देख लें, मेरे लिए रंग लाई तोहफे में, मैंने कहा मैंने रंग नहीं पहने, अरशद नहीं है तो कहती नहीं तुम रंग पहनोगी। तो जहाँ पे बुरे लोग थे ना वहाँ पे अच्छे लोग भी थे। और आलमी जो लोग हैं और जो हमारी अपनी यूनियंस हैं, मेरी अपनी जो एडिटर्स को लीग्स हैं, उनका बड़ा एक अच्छा रोल रहा। और उन सब की मदद से और अपनी विल पावर से जो है मैंने फिर ये लॉयर हायर किया, पिटीशन सारी की, साइन की, अब फाइल हो जाएगी और वहाँ पर मुकदमे का आगाज होगा। एंड आई वाज अलोन इन माय बैठी अकेली, आपको पता है मेरे बच्चे भी नहीं है। एक एक मुश्किल टाइम है आप पर और जो अर्शद साहब की बाकी फैमिली है, उनकी मदर हैं, उन सब के लिए एक टिश्यू देना। एक क्वेश्चन दोबारा फेस कर, अभी पाकिस्तानी कोर्ट से आप लोगों को रिलीफ नहीं मिला, उल्टा आप लोगों की फैमिली के बाकी लोगों की जो है वारंट जारी हो गए। अच्छा, इसमें मैं भी शामिल थी। 19 लोगों के वो वारंट थे, जिसमें ज़्यादा लोग कौन थे, ज़्यादा लोग थे जो डॉक्टर्स हैं या जो वो डील कर रहे थे, और हम फैमिली मेम्बर्स के भी नाम थे जिसमें उनकी वालदा भी शामिल है, मैं भी शामिल थी। और मुझे बहुत अफसोस हुआ इन चीज़ों पर। नए वकील हायर करने पड़े। एक तो वकील हायर करना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सारी लाइफ जो है वो अदालतों में ही वो हो जाएगी। ये तो अली भाई मियाँ अली शफाक का शुक्रिया कि उनकी पूरी टीम मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है, वरना एक टाइम तो हमारे पास वहाँ भी वकील नहीं थे। फिर साकिब साहब के तवसत से जो है अर्शद की वालदा को शौकत सदीकी साहब मिल गए, तो अब दो वकला हैं जो इस केस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि दो जो है वो फैमिली के वहाँ पर जो है अली साहब और शौकत सदीकी साहब जो साबिक जज हैं। अली शफाक जो है उनकी जो टीम है मुझे रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सात बुट्टर जो हैं वो अपीयर होते हैं, क्योंकि मियाँ अली शफाक के पास अभी लाइसेंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में वकालत का, तो लेकिन उनकी पूरी टीम जो है वो मेरे साथ मेरा साथ देती है। और मैं इतना थैंकफुल हूँ इस चीज़ पे उनका कि जिस वक्त एक बड़े से बड़ा वकील भाग रहा था उस मुकदमे से, उस वक्त ये यंग लॉर्ड जो है वो साथ आई और उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आपको बाहर पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे इद्दत में जो है वो धक्के नहीं खाने पड़े और इन्होंने जो है वो कर लिया। बाद में जब मैंने ये देखा कि अर्शद की वालदा के पास भी वकील नहीं है, तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, हर कोई इनकार कर रहा था उससे, लेकिन फिर जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं साकिब साहब आपको पता है उनका, उनके तवसुत से फिर बड़े ये सीनियर आपको पता है शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो हैं वो उन्होंने फिर जो है वो वालदा की तरफ से लिया, वरना तो कोई पाकिस्तान में तैयार ही नहीं था वो करने के लिए।